मूर्तिजापूर इथे जयस्तंभ चौकात पार पडलेला गोकुळाष्टमीच्या सार्वजनिक दहीहंडी महोत्सवास मूर्तिजापूरकरांनी प्रचंड प्रतिसाद देत हजेरी लावली होती. त्यात अनेक गोविंदा पथक सहभागी झाले होते, तर अमरावतीच्या श्री बाल साईनाथ मंडळाने प्रथम क्रमांक पटकावला. गेल्या 2 वर्षांपासून बंद पडलेला दहीहंडी उत्सव यावर्षी सामाजिक कार्यकर्ते रविभाऊ राठी यांच्या प्रयत्नाने एकत्र येऊन पुन्हा सुरू करण्यात आलाय. तर महोत्सवास मूर्तिजापूरकरांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थिती दर्शवून या सोहळ्यात रंगत आणली. यामध्ये सार्वजनिक शिवभक्त मंडळ मूर्तिजापूर, श्री बाल साईनाथ मंडळ अमरावती, गोलमाल मंडळ मूर्तिजापूर, हनुमान व्यायाम मंडळ मूर्तिजापूर व सार्वजनिक मंडळ मूर्तिजापूर यांनी सहभाग घेतला. अमरावती येथील श्री बाल साईनाथ मंडळ हे थरावर थर लावून दहीहंडी फोडण्यात यशस्वी झाले. समाजसेवक रवी राठी यांच्याकडून घोषित करण्यात आलेले 11,000 रुपयांचे प्रथम पारितोषिक त्यांना देण्यात आले. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून माजी आमदार भैयासाहेब तिडके हे होते, तर कमलाकर गावंडे, निजामभाई इंजिनियर, बबलू भेलोंडे, अमोल लोकरे, संजय डागा, पप्पू तिडके, श्रीधर कांबे, राम कोरडे, अतुल गावंडे व सचिन गावंडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन विष्णू लोडम, दिवाकर सोनोने यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन बबलू वानखेडे यांनी मानले. नरेंद्र खवले, मूर्तिजापूर. ये दहीहंडी कुछ बंद सी हो गई थी यहाँ पे मूर्तिजापूर में. कुछ ग्रुप है ये यहाँ पे जो करते हैं विचार हमेशा, पर उनको सहयोग नहीं मिलता है. मेरे पास आया कि भैया ऐसा ऐसा है, ये दहीहंडी करना है और कोई लोग ऐसी वर्गनी दे नहीं रहे हैं, क्या करना है इसमें. मैंने कहा ठीक है, ये एक अपने संस्कृति की बात है. दहीहंडी बोले तो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्म हुआ, इस खुशी में अपन दहीहंडी रखते हैं. तो ये दहीहंडी का प्रोग्राम या कार्यक्रम होना चाहिए, हमेशा चालू रहना चाहिए. इसलिए मैंने उनको सहयोग के हिसाब से मैंने कहा चलो बड़ी सहयोग राशि देके अच्छा दहीहंडी का. और इसी वजह से अमरावती के व्यायाम मंडल वाले हनुमान व्यायाम मंडल वाले आए हैं और बाकी भी कितने मंडल हो गए, 5 मंडल ऑलरेडी मूर्तिजापूर के हैं. ये सभी भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सभी का स्वागत करता हूं मैं और सभी अपना दमखम अच्छे से दिखाएं. बस एक ध्यान रखना है कि किसी को लगे ना, उनको नुकसान ना हो, किसी शरीर को हाथ पाओ कुछ तकलीफ ना हो, इसका सभी ने अपने केयर करना, ध्यान रखना. और जो अच्छा काम अपन करना जा रहे हैं उसका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए. जीत किसी की भी हो, मुझको सभी के लिए बधाई देता हूँ मैं कि सभी अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और मूर्तिजापूर में कुछ अच्छा या बढ़िया करने के लिए हम हमेशा मूर्तिजापूर वालों के साथ में हैं. हमेशा कुछ अच्छा ही करते रहेंगे, बढ़िया करते रहेंगे. यही शुभकामना और तमन्ना के साथ आगे बढ़ते हैं.